अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। यकीनन आप सब ठीक होंगे और आपने अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.2 का काम भी कंप्लीट कर लिया होगा। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 3.3 को स्टार्ट करना है, जिसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है फाइंड आ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 6 एंड 12। रेशो वाले क्वेश्चन हैं हमारे पास, टू उनके टर्म्स बताए गए हैं, थर्ड वाला हमने खुद फाइंड करना है। तो हम इसको इस तरह अरेंज करेंगे, ए रेशो बी इज इक्वल है बी रेशो सी। थर्ड वाला प्रोपोर्शन हमने फाइंड करना है, तो थर्ड वाला जो है उसको हम दो दफ़ा लिख लेंगे। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ए की जगह पे 6 आ जाएगा, बी की जगह पे 12, अगेन बी की जगह पे 12 और सी की जगह पे एक्स जो कि हमने फाइंड करना है। मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 6x इज इक्वल है 12 मल्टीप्लाई बाय 12। अब x इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड करेगा, 6 1 6, 6 2 12, तो 12 2 24। इट्स मीन के इसके बाद इधर 24 आता है जो कि थर्ड प्रोपोर्शनल है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये a हो गया और a माइनस b ये b हो गया। अब हमारा रेशो में जब लिखा जाएगा तो आएगा a रेशो b इज इक्वल है b रेशो c। ए की जगह पे आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, देन बी की जगह पे आएगा ए माइनस बी, और इधर भी बी है तो हम दोबारा लिखेंगे ए माइनस बी, और सी की जगह पे हम लिख देंगे एक्स। दोबारा से हम मीन्स को आपस में और एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स, और दूसरी साइड पर ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इनके ऊपर फार्मूला ओपन कर देंगे, a माइनस बी ए प्लस बी, और ये भी वही आ गए। अब ये इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर ओवर में आ जाएंगे, a माइनस बी के साथ कट जाएगा, तो x इज इक्वल आ जाएगा a माइनस बी ओवर a प्लस बी। पार्ट नंबर वन के टोटल सिक्स, क्वेश्चन नंबर वन के टोटल 6 पार्ट्स थे, जिनमें से 4 मैंने आपको करके सेंड कर दिए हैं, इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड आ फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, इसमें हमारे पास 3 हैं और हमने 4 वाला फाइंड करना है। तो उसी तरह से हम पहले लिख लेंगे ए बी सी डी। अब हम टोटल ये लिखेंगे ए रेशियो बी इज इक्वल है सी रेशियो डी। अब ए की जगह पे 5 आ जाएगा, बी की जगह पे 8 आ जाएगा, सी की जगह पे 15 आ जाएगा, और डी की जगह पे एक्स। अगेन उसी तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 को एक्स के साथ और 15 को 8 के साथ। अब 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड करेगा, 5 3 15, 8 3 24। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चन इसी तरह से होने हैं, आपने मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और एक्सट्रीम्स को आपस में, और लिखने का तरीका क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट वाले में थर्ड वाला प्रोपोर्शन फाइंड करना है तो बी को दो दफ़ा लिखा जाएगा, और इसमें हमने ए की जो है फोर्थ वाला प्रोपोर्शन फाइंड करना है तो इसमें ए बी सी और डी लिखा जाएगा। इस पार्ट के, इस क्वेश्चन के भी टोटल 6 पार्ट्स थे, जिनमें से 4 मैंने आपको करके सेंड कर दिए हैं, तो रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों ने होमवर्क में करने हैं। तो आज आपका होम टास्क है कि आपने एक्सरसाइज नंबर 3.3 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को अपनी कॉपीज़ पर नोट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।